मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। आप अलैहि सलाम ने ताकीद की है बल्कि जानवरों के बारे में कि जानवरों के ऊपर जुल्म सितम मत करो। और यही नहीं, जो लोग एतराज करते हैं कि देखिए आपके कुरान में फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा, गनीमत वो लोग क्या तर्जमा करते हैं, कुछ लोग नाम नहीं लूंगा मैं, कुछ तंजीमें वो लोग तर्जमा ये करते हैं कि लूट के माल को खाओ मजे से, लूटो और खाओ, ये तर्जमा करते हैं। फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की ये हदीस की रोशनी में क्या कोई कह सकता है? या वैसे भी आप लोग नेचुरली बताइए, कहीं पर कुरान में लिखा है कि किसी के भी माल और दौलत को लूट कर खाओ पियो? उससे पहले तो हमारे उलमा पहले खड़े हो जाएंगे कि अगर जो माना मतलब बयान करता गलत बयान कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, हदीस यह है, सुनिएगा, हुकूक इबाद के ताल्लुक से हम लोग बहुत कमी करते हैं, सुनने की बड़ी आवश्यकता। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि ऐ लोगों जरा बताओ हमारी कौम का मुफलिस कौन है, हमारी कौम का कमजोर इंसान कौन है? सहाबाए कराम पूछते हैं कि अल्लाह के नबी मल्ला दिरहम वला मता, जिसके पास दिनार ना हो, दिरहम ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, घर ना हो, गाड़ी ना हो, बंगला ना हो, वो कमजोर है, वो मुफलिस है। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, मेरी उम्मत का, मेरी कौम का मुफलिस वो शख्स नहीं है जिसके पास दौलत ना हो, जिसके पास माल ना हो, जिसके पास पैसे ना हो, जिसके पास बंगला ना हो, जिसके पास पावर ना हो, जिसके पास कुर्सी ना हो, वो मुफलिस नहीं है। मेरी कौम का, मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो है जो कयामत में बहुत सारी नमाज लेकर जाएगा, जो कयामत में बहुत सारे अच्छे आमाल नेकियों का अंबार लेकर पहुंचेगा, नेकियों का एक पहाड़ होगा उसके पास। वो आदमी तो अपने नेकियों को देखकर खुश होगा, डेफिनेटली वी विल सक्सेस, वी विल एंटर द पैराडाइज, अब तो मुझे जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता, देखियो मेरे पास नेकियों के अंबार है। तो अल्लाह तबारक व तआला वहां पर फरमाएगा रुको अभी, जल्दी मत करो। अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि नेकियों का अंबार लेकर हाजिर होगा, लेकिन हाल ये होगा किसी को जुबान से तकलीफ दी होगी अगर मेरे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहने से, या मेरी जुबान से मेरे मुआशरे में, मेरे समाज में, मेरे पड़ोस में अगर कोई तकलीफ अपनी आप की जुबान से पहुंचती है, तो आप ये ना भूलिए कि मेरी जुबान से किसी को तकलीफ पहुंची, मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, अल्लाह तबारक व ताला पकड़ नहीं करेगा, तो यह आपकी गलत फहमी। आपकी जुबान से आपके पड़ोस में या किसी दूसरे शख्स को अगर तकलीफ पहुंचती है तो हुकूकुल इबाद में लिख लिया जाता है। और अल्लाह तबारक व ताला अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते किसी को जुबान से तकलीफ दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, या किसी का खून बहाया होगा, आज अपने पावर और नशे में, ताकत के नशे में चूर होकर किसी का भी अगर हम मर्डर करवा दे, या किसी का गला काट दे, या माशरे के अंदर आपस में लड़ाई है समाज में, किसी को साजिश के तहत मार दे, उसका उसको उसका मर्डर कर दे, उसका कत्ल करवा दे, और रिश्वत की थैलियां खोलकर अपने आप को हम बचा लें, तो दुनिया की नजर के अंदर हम बच सकते हैं, दुनिया के नजर में हम अदालत से बरी हो सकते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद में लिख लिया जाता है अल्लाह तबारक व तआला के रजिस्टर के अंदर, या इस दुनिया के अंदर किसी की जमीन अगर हमने हड़प ली, किसी की जमीन को हमने नाजायज तरीके पर उस पर कब्जा किया, या किसी की दुकान के अंदर कमी बेशी हमने कर ली, या किसी का किसी के पैसे लेकर हमने वापस नहीं किए, कर्ज वापस नहीं दिए हमने, और हम यहाँ से चले गए और अपने अय्यारी और अपने मक्कारी की वजह से हम जीत गए दुनिया के अंदर, और हमने ये सोचा कि अब तो बरी हो गए, ताकत हमारे पास है, दौलत हमारे पास है, पैसे हमारे पास है, लोगों के हक हुकूक के अंदर कमी होगी। तो याद रखो, उलमा से 100 बार पूछो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व ताला अपना हक माफ कर सकता है। आपने नमाज नहीं पढ़ी, कल कयामत में रब से दुआ करेंगे, इस जमीन पर रोकर दुआ करेंगे, मुमकिन है कि अल्लाह आपकी नमाज न पढ़ने को उसके गुनाह को अल्लाह तबारक व ताला माफ कर दे। आपने रोजे नहीं रखे, आपने कोई और हुकूक अल्लाह के ताल्लुक से कोई गुनाह किए, अल्लाह से रोकर दुआएं करेंगे, मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व ताला आपके
उन तमाम गुनाहों को माफ कर सकता, लेकिन हुकूकुल इबाद में कोई कमी होगी होगी, किसी की जमीन नाजायज तरीके पर आपने कब्जा कर लिया है डंडे के जोर पर, कुर्सी इख्तदार पर बैठ कर किसी का नाहक मर्डर करवाया है, मासूम इंसानों का पेट्रोल डालकर जला जला कर अगर मारा है इस जमीन के ऊपर, तो अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ, अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत में पूछेगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई मुसलमान मर्डर करता है तो अल्लाह नहीं पूछेगा, उससे पहले पूछेगा। अगर कोई मुसलमान मर्डर करता है किसी दूसरे को मारता है, तो अगर यहाँ पर बच जाता है तो रब्बुल जलाल की अदालत से नहीं बच सकता, वहां पर सबसे बड़ी ताकत किसी की होगी तो अल्लाह तबारक व तआला की होगी। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां पर अगर अपनी कौम को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद में कमी है, किसी का हक है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको खड़ा कर दिया जाएगा, हुकूक हकदार आएंगे कि अल्लाह के नबी ए अल्लाह मेरे ऊपर इस पर मेरा हक है, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे बड़ा भला बुरा भला कहा था। अल्लाह के नबी फरमाते उसकी एक एक नेकियां उठाकर हकदार को दी जाने लगेंगी, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, हकदार बाकी रहेंगे। हकदार कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि अब तो इसके पास नेकी नहीं है, बड़ा तकवा वाला बनता था, बड़ा अब दुनिया के अंदर अपने आप को मुत्तकी दीनदार समझता था, लेकिन अंदर खाना इतना घोटाला, अब क्या है इसके पास तो नेकी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि इसके ऊपर एक काम करो, जितने भी दावेदार और बाकी हैं, जिन जिनका हक है इनके ऊपर उनके गुनाह इसके ऊपर डालो और इसको पकड़ कर जहन्नम में डाल दो। हुकूकुल इबाद, दुनिया के अंदर किसी की दौलत लूटने या किसी की माल को तलवार के आधार पर लूटने की परमिशन इस्लाम में नहीं है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, की गलत तफसीर करने वालों, वो उस वक्त है जब जब लड़ाई हो, जंग हो। अब तो जंग है ही नहीं हमारे मुल्क में, कौन सा जंग, हमारे आपस में हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते, या तो कोई जंग ही नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं। अलबत्ता किसी दूसरे मुल्क से, पड़ोसी मुल्क से, चाइना से, बर्मा से, किसी और मुल्क से, श्रीलंका से, नेपाल से, जो पड़ोसी मुल्क है, इनमें अगर कोई लड़ाई हो, मिसाल के तौर पर चाइना से लड़ाई हो, तो चाइना के बॉर्डर हम कब्जा करके उस और उधर चले जाएं, उनकी जो भी प्रॉपर्टी हमें हाथ लगेगी तो गवर्नमेंट के पास जाती, उसी को माल गनीमत बोलते हैं बेवकूफ इंसान, उसका तर्जमा उल्टा सीधा मत करो। मन्ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो वो है कि आप अलैहिस्सलाम एक मर्तबा माल गनीमत के ताल्लुक से सहाबाए किराम झगड़ रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नहीं, यसअलूनक अनिल अनफाल कुल अनफाल लिल्लाह व रसूल, लाओ हमारे पास जमा करो। जिस मजहब में जुबान से किसी को तकलीफ देने की परमिशन नहीं है, किसी दूसरे की दौलत को हड़पने की कैसे गुंजाइश हो सकती है, परमिशन हो सकती है, उनको इजाजत दी जा सकती है? बिल्कुल गलत बात और गलत तफसीरें बयान की जाती। मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, मेरे मुस्लिम भाइयों, हालात बड़े नाजुक हैं इस वक्त पूरी दुनिया, हमारे मुल्क के नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम मुसलमान खुद भी होते हैं। जो लोग गलत फहमी पैदा करते हैं इस्लाम के ताल्लुक से, इंशाअल्लाह हम जैसे तालिबे इल्म हैं और आएंगे, हमारे कुरान को चुन चुन कर निकालते हैं इतराजात करने के लिए, कुरान से आयतें। इंशाअल्लाह उलमा हैं, उनके सदके में बच्चे हैं भी देखिए पढ़ने वाले, एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और करेंगे, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि वो उस कुरान करीम के अंदर कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका राइटर क्या, जिसका मौजिद, जिसका कलाम अल्लाह का कलाम है। दुनिया की सारी किताबों में नाम होता राइटर का, मुसन्निफ का, मुसन्निफ का, कुरान करीम में है किसी का नाम दिखा सकते? नहीं दिखा सकते, क्यों? क्योंकि ये कलाम अल्लाह का है, अल्लाह का कलाम है, इसका राइटर, इसका मुसन्निफ, इसका मौजिद, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, वही करते बताते हजरत जिब्राइल को, हजरत जिब्राइल मोहम्मद रसूलुल्लाह को फरमाते, आके बता देते, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई कमी पेशी नहीं, ये पैगाम है, ये पैगाम है।
तो माशरे की इस्लाह अगर हम करना चाहते हैं तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएं और शरीयत का जो पैगाम है उस शरीयत को फॉलो करने की हम लोग कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला गलत फहमियां दूर होंगी। मेरे नौजवानों, नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में वही बात फिर से आ जाती है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, जो लोग अख्यार हैं नहीं समझते हैं, खामखा वो उनके कान में कुछ बात भर देते हैं कि मुसलमानों के गुरु थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमानों के गुरु ही नहीं थे, पूरी दुनिया के, पूरी इंसानियत के, पूरी मानवता के गुरु थे। साफ साफ लफ्जों में संस्कृत जुबान में ये बात कही गई है, अहमिति पृष्टि मेगा मर्तस जगरम बहम सूर्य वाजाने शंबल ग्राम गुक्य सबराह मणय सगहा दमन भवने विष्णु यश शाकल की प्रादुर्भविष्यति। ज्ञान हेतु किरत आग, ज्ञान हेतु लोगो आगाह हो जाओ। किरत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदायम इत्तदोदयते विवेकः। 23 साल नबी रहे थे, अगर और 23 साल रह जाते तो पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम रोशनी फैलाते। जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि नहीं नबी आए, वो बड़े सख्त और पत्थर दिल सहाबा बना करके गए। गलत बात, नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम सख्त नहीं थे, मोहब्बत करते थे, अमीर गरीब सब बराबर। एक मौके पर अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम मनाखा मदीने में एक बाजार है आप पहुंचे, वहां पर बड़ी बड़ी दुकान थी। आजकल तो नेताजी वहीं जाकर ज्यादा टपकते हैं, जो कोई प्रधान होगा या जो कोई मुखिया होगा, जो कोई एमएलए होगा, जो कोई सीएम होगा, तो भाई उनकी बातें ज्यादा मानी जाती है, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते। अल्लाह के नबी किनसे दोस्ती करते थे? अल्लाह के नबी की नजर में सब बराबर, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम सबसे मोहब्बत करते थे। तो वहां पर एक ठेले पर नहीं, चटाई पर बैठकर एक अदना सहाबी, कमजोर शक्ल से भी बहुत कमजोर दिखते थे और बॉडी के एतबार से भी कमजोर थे और फाइनेंशियली भी बहुत कमजोर थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, पीछे से आप अलैहि सलाम ने ऐसे उनको पकड़ लिया और जोर से बोलने लगे कि बताओ इस गुलाम को एक दिरहम में कौन खरीदता है, मजाक के तौर पर। तो वो सहाबी समझ गए, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी कोई कीमत एक दिरहम आपको दे नहीं सकता। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने यूं कहा, आप किसी मालदार दुकान पे नहीं गए, किसी मालदार सहाबी के पास नहीं गए, आप गरीब के पास गए। गरीब के पास नफरत परस्तो ऐसी लाओ ना ऐसी लीडरशिप जो गरीब के ज्यादा करीब रहता हो। अगर कोई गरीब की दावत कर दे तो घर पहुंचता हो। आप अलैहि सलाम ने ये कहा कि मेरे प्यारे सहाबा, तुम छोटा नहीं हो, तुम अल्लाह की नजर में तुम्हारी बहुत बड़ी कीमत है। एक पैगाम है कि अगर कोई ऊंचा मालदार है तो उन्हें गरीबों से भी मिलकर रहना चाहिए, उनसे भी हंसी और खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये पैगाम या बाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के, ये सुन्नत है नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम का सबके साथ मिलजुल कर रहना। लेकिन जनाब, यहां तो मोहब्बत तो दूर की बात है, हम लोग आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाते और यूं कहते हैं कि मौलाना हम लोग कैसे कामयाब होंगे, हम लोग कैसे मजबूत होंगे। कुछ काम करना है, कुछ काम करना है जो शरीयत की नजर में भी जरूरी है और इस देश में भी करना हम लोगों के लिए जरूरी है। सबसे पहला काम तो ये कहूंगा, ये करना है कि हमारे नौजवानों, हमारे मुस्लिम भाइयों, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए आपको पैदा किया वो करिए, वो जरूरी है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नमाज पढ़िए, झूठ मत बोलिए, गीबत मत कीजिए, सूद मत खाइए, बेईमानी मत कीजिए और अपने ईमान को मत बेचिए। ये वक्त है आपके ईमान को बचने बचाने का। क्यों? एक होने वाला कुछ दिनों के बाद में बहुत पैसे बांटे जाते हैं और पैसे दे देकर हम लोग अपने ईमान को बेच देते हैं। नहीं भाई, जो हमारा होगा हम उनको देखेंगे, लेकिन पैसा लेकर आदमी एक है, इनके पास शहादत एक ही है, इनसे भी पैसे ले रहे हैं, उनसे भी पैसे ले रहे हैं, उनसे भी पैसे ले रहे हैं। क्या इस्लाम में ये जायज है? बिल्कुल जायज है। आप अपने ईमान का सौदा करते, ईमान का सौदा करना शरीयत के अंदर जायज नहीं है।
आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, भाई आपका कौन पसंदीदा कौन होगा नहीं होगा वह आप जान जाने। लेकिन इमाम पैसे लेकर के ये बिल्कुल शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। दूसरी बात ये अपने मामलात अच्छे रखे हैं, मामलात अपनों के साथ में मामलात अच्छे रहे, मिलकर रहे। अगर हम मिलकर रहे मुत्तहिद होकर रहे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जुबानी नहीं बल्कि कसम खाकर यह बात कही जा सकती है। नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत आपकी कदम चूमेगी। हम ही बढ़ जाते हर एतबार में, हर जगह पर हम बढ़ जाते, अलग अलग हो जाते, नहीं मुत्तहिद रहेंगे। सहाबा 313 थे, जंगे बद्र में मुत्तहिद थे, तो 1000 लश्करे जर्रार को शिकस्त दी थी कि नहीं दी थी? गाजर मूली के तरह उन लोगों को वहां पर सबक सिखाया था। उसके कुछ दिनों, कुछ सालों के बाद, बहुत लंबे नहीं, बहुत कलील मुद्दत के बाद में दूसरी जंग होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी है, अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत अली हैं, हजरत उमर हैं, सैयद शहदा अल हमजा हैं, उस वक्त शहीद नहीं हुए। सहाबा की तादाद तकरीबन 1000, कुफार 3000। आप अली सलातु वस्सलाम ने कुछ सहाबी को कहा यहाँ पर रहना, बैर कैफ एक सब बंदी हुई वहां पर, जंग शुरू हुई जंगे उहद में। कुछ देर के बाद जो जंग फतह हो रही थी, मैदान कब्जा कर रहे थे, कुछ देर के बाद उस जंग के अंदर शिकस्त के तरफ वो जंग बढ़ जाती। सहाबाए कराम गाजर मूली के तरह शहीद किए जाते, 70-70 बड़े बड़े किबार सहाबा काम आते, शहीद होते। क्यों? गलती कौन सी थी? वो गलती चूक उस वक्त की थी, लेकिन आज इस उम्मत इस कौम के लिए वो ये कि सहाबाए कराम दो फाड़ हो चुके थे, दो खेमों में बटे हुए थे। याद कीजिए, जहां पर सहाबी सहाबा की पवित्र जमात हो, जहां पर सैयदुल अंबिया नबी पाक अली सलातो व सलाम की जाते अक्दस मौजूद हो, वहां पर जब दो हिस्सों में लोग बट जाएं, दो हिस्सों में आ इंसान बट जाए, ईमान वाले बट जाएं, तो जहां पर नबी आखिरुज़्ज़मान मौजूद है, वजह तखलीक कायनात मौजूद है, हबीबुल्लाह जहां पर मौजूद है, सैयदुल अंबिया जहां पर मौजूद है, अल्लाह तबारक व वहां पर भी सबक सिखाने के लिए आने वाली कौम को पैगाम देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आने वाली नुसरत मदद को वापस कर लेते हैं। और जो मैदान काम जहां जिस मैदान में फतह होने वाली थी, वो मैदान चंद लम्हों के अंदर शिकस्त में बदल जाती और फिर 70 सहाबाए किराम दर्दनाक अंदाज में शहीद किए जाते। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला के सीने को चीर कर हड्डियों को निकाला गया था और फिर कोशिश नाक कान काट दिए गए, मुसला बनाया गया था उसी जंगे उहद के अंदर। 1000 तादाद होने के बावजूद क्यों सहाबाए किराम वहां पर नाकाम हुए? वहां पर सहाबाए किराम 70 सहाबा शहीद हुए, क्योंकि दो हिस्सों में सहाबाए किराम बट गए थे। याद कीजिए और जरा गौर कीजिए, जहां पर सहाबा मौजूद हो, अल्लाह के नबी मौजूद हो, लेकिन वहां पर अल्लाह की मदद नहीं आई। वजह क्या है? वजह यह थी कि सहाबा दो जमात में बटे हुए थे। आज तो सहाबा भी मौजूद नहीं है, आज तो नबी की जात भी मौजूद नहीं है, आज तो हमारे बीच में कोई अल्लाह के बड़े वली भी नहीं होते हैं। और फिर अगर हम बट जाए तो यारों मुसलमानों, अल्लाह की तरफ से मदद नहीं होगी। अगर तुम्हारी हड्डियों को कोई चबाने के लिए तैयार होगा, तुम्हारी गोश्त को चबाने के लिए कोई तैयार होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई नुसरत नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हम आपस में अलग अलग बटे हुए हैं। अल्लाह की मदद कब आती है? जब कौम मुत्तहिद होती है। यदुल्लाहि अलल जमा, मुत्तहिद होती। डरिए मत, आपका नाम अल्लाह ने मुसलमान रखा, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। आप जिस मजहब को मानते हैं वो मजहब अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा। दुनिया के हर धर्म का मानने वालों ने उस मजहब का नाम खड़ा। बुद्धिज्म,
बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने बुद्धिस्ट को जन्म दिया बनाया, बल्कि उसका बानी मबानी जैन वो लोकेश जैन मुनि जी जिन्होंने मौलाना अशरफ अली साहब की बयान में टिप्पणी की थी ओम मनु अल्लाह के ऊपर, उसके ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है ओम मनु अल्लाह में क्या फर्क है, वो चीज हमने एक्सप्लेन करके बताया कि मौलाना का बयान अच्छा है अपनी जगह पर, दलील की जरूरत है तो हमने दलील पेश की थी। तो वो मानते हैं महावीर जैन स्वामी 2750 साल पहले वर्तमान महावीर जैन स्वामी बिहार में पैदा हुए, वो वैशाली के अंदर उनके गुरु ने नाम रखा सिख धर्म, उनके गुरु नानक ने गुरु गोविंद सिंह ने नाम रखा क्रिश्चियनिटी, अपने धर्म की अच्छाई को बयान करते हैं, जोडाइज्म अपने धर्म की अच्छाई को बयान करते हैं, खुद उनके गुरु कलीसा और चर्च में जाइए अपने धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन आपके धर्म का नाम अगर किसी ने रखा है तो उस जात का नाम वो कोई और नहीं, वो कोई नबी या कोई रसूल या कोई गुरु नहीं, किसी मुफ्ती साहब ने नहीं रखा, किसी आलिम दीन ने नहीं रखा, बल्कि नाम अगर किसी ने रखा है उसका तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके धर्म का नाम रखा। क्या कहा, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसीलिए मेरे भाइयों वक्त भी चुके काफी हो चुका है, मैं यही कहूंगा कि आप हक पर हैं तो जो चीज आपके पास हक है वो शरीयत है उसको फॉलो कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला माशरे की मुकम्मल तौर पर इस्लाह हो। और कोशिश ये कीजिए हम लोग मुत्तहिद होकर रहें, पहले नंबर पर मुस्लिम मुस्लिम मुत्तहिद हो, दूसरे नंबर पर हिंदू मुस्लिम मुत्तहिद हो। पहले एतबार बड़ी उल्टी सीधी खबरें आ जाती हैं, तो हमें मुंतशिर होने की जरूरत नहीं है, इस देश में रहते हैं, इस देश में हम उनके पड़ोसी वो हमारे पड़ोसी, और एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की रियायत करे, बल्कि अल्लाह के नबी तो यूं फरमाते हैं कि अगर पड़ोसी किसी मुसलमान का पड़ोसी उसके जुल्म से अगर परेशान रहता है, अगर पड़ोसी परेशान करने वाला मोमिन है तो अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जाएगा, ला यदखुलुल जन्ना मन ला यामनु जारहु बवाइह। बताइए इतनी बड़ी बात कही थी। इसीलिए हम अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं दे सकते, वो अगर देता है तो समझाएंगे बताएंगे, कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे, जुल्म की परमिशन इस्लाम में नहीं है, इसको बोलने की बताने की जरूरत है, आवश्यकता है। त्योहार को धर्म को धर्म के जगह पर रखिए, समाज को आपका पर्सनल इशू आपकी जगह पर, समाज को माशरे को खलत मलत मत कीजिए, नफरत के आग में मत झोलिए इसको। इस धरती पर मदरसा है, मदरसे का एहसान है कि आज हम लोग आजादी का सांस ले रहे हैं, गलत फहमी पैदा की गई है इन मदरसों के बारे में, आपका यही मदरसा कितने सारे हफ्फाज और कितने सारे उलमा पैदा हुए होंगे पढ़कर गए होंगे नहीं समझ सकते, क्या उनमें से वो आसाम के वो चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि इन मदरसों को इसलिए हम बंद कर रहे हैं कि यहाँ से टेररिस्ट पैदा होता। बताइए कितनी बड़ी गलत फहमी, वहां कंडीशन ये लगा दी है कि वहां पर कोई मदरसा अगर होगा तो एक एकड़ जमीन मदरसे के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, कम से कम 50 बच्चे उस मदरसे में होने चाहिए, और कम से कम 8-10 टीचर भी उसके अंदर बहाल नॉमिनेटेड होने चाहिए। अब बताइए ये कंडीशन लगा दी, पहली बात तो मदरसा जो भी मदरसा चलने चलाने वाले कौन, मदरसा हमारे उलमा बेचारे रमजान में रसीद लेकर मेहनत करते हैं, लाख दो लाख 3 लाख रुपए लाते हैं, कैसे कैसे करके वो इदारा बनवाते हैं, उस्तादों की तनख्वाह मुकर्रर करते हैं, वो एक एकड़ जमीन कहां से लाएंगे पहले, फिर उस जमीन की रजिस्ट्री का मामला है, फिर बच्चे इतने सारे, फिर कयाम का मसला है। लेकिन एक बात याद रखें हमारे मोहतरम साहब, अगर आपको गलत फहमी हुई है कि मदरसों से पढ़कर निकलने वाले वो जुल्म सीख कर निकलते हैं, लड़ाई मार काट धाट सीख कर निकलते हैं, तो गलत फहमी। इस देश के अंदर अगर मदरसे की कुर्बानी नहीं होती तो क्या ये देश आजाद हो जाता? नवाब सिराजुद्दौला के बाद, टीपू सुल्तान के बाद इस देश को अंग्रेज से बचाने वाले कौन उलमाए किराम सबसे पहले कदम रखने वाले?
अगर इस देश में मदरसा नहीं होता हमारे मुल्क में तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी मदरसे की बुनियाद डालते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी नहीं होते तो उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज नहीं होते, और शाह अब्दुल अजीज अगर नहीं होते तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा कौन देता कि अंग्रेज से जिहाद करो, इस देश को बचाना है। इतनी फिक्रमंदी और इतनी तदब्बुर के साथ कौन काम लेता। उनके बाद अगर शाह अब्दुल अजीज नहीं होते तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की नहीं होते। हाजी इमदादुल्लाह नहीं होते तो दो जबरदस्त शागिर्द ये मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, ये लोग पैदा नहीं होते। अगर ये लोग नहीं होते, इनके उस्ताद ममलूक मौलाना ममलूक नागर नहीं होते तो ये दो चुस्त चालाक शागिर्द नहीं होते। अगर ये नहीं होते तो दारुल देवबंद की बुनियाद नहीं डाली जाती। दारुल देवबंद की बुनियाद अगर दारुल देवबंद ना होता या नदवतुल उलमा ना होता, मजाहिर उलूम सहारनपुर ना होता, दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई। 1857 में जंग होती है अंग्रेज से और अंग्रेज के मुकाबले में उलमा मैदान में खड़े थे। शामली के मैदान में कौन खड़ा था? शामली के मैदान में एक तरफ हाफिज जामिन शहीद खड़े, मौलाना जाफर थानेसरी खड़े थे, एक तरफ मौलाना कासिम खड़े थे, एक तरफ मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही खड़े थे। मेरे भाइयों जरा याद करो उस वक्त को जब जलियांवाला बाग में 1500 लोगों को जब तोप की गोलियों के निशाने में तोप के जरिए से उनकी लाशें बिछा दी गई थी, वहां पर कौन थे? मौलाना शौकत साहब थे, जो मदरसे से पढ़ करके निकले थे। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो तारीख गवाह है, उठाकर देख लीजिए। जलियांवाला बाग के गेट पर सफेद रंग का एक पत्थर है जो आज भी मौजूद। पिछले साल सफर में गया था तो मैंने देखा था वहां पर तकरीबन मैं कहता हूं कि उसके अंदर 1500 उलमाए किराम का नाम लिखा हुआ, 1500 फ्रीडम फाइटर का नाम लिखा हुआ। अगर दारुल देवबंद ना होता तो शेखुल हिंद ना होते तो उबैदुल्लाह सिंधी ना होते, उबैदुल्लाह सिंधी ना होता तो तहरीक-ए-रेशमी रुमाल ना होते तो मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी जैसे भी मुतहर्रिक और फआल आलम-ए-दीन ना होता। वो है शेखुल इस्लाम जिनकी तारीख शायद तुम नहीं जानते हो। अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला अगर कोई मुजाहिद पैदा हुआ था तो उस मुजाहिद का नाम, उस लाल का नाम शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी अंग्रेज से मुकाबला करते हुए सामने में एक आलिम-ए-दीन कहते हैं कि ए हुसैन फतवा बदल दो इसलिए कि अंग्रेज तुमको फांसी दे देगा। तो उन्होंने कहा कि मौलाना फतवा बदल दिया, नौजवान अंग्रेज की फर्ती फौज में फर्ती उनके फौज में भर्ती ना हो, कुफ्र है, कुफ्र का फतवा दिया था उन्होंने, नाजायज का फतवा दिया था। अंग्रेज ने कहा कि हुसैन से कहो कि फतवा बदल दे। उन्होंने कहा अगर फतवा बदल दिया तो ईमान नहीं रहेगा और मैं इस अंग्रेज इस जालिम से डरता नहीं हूं। अगर ये इस देश में आया है लूटने के लिए, अगर मारने के लिए फांसी पर चढ़ाना चाहता तो चढ़ाए, मैं अपने अपने बैग में कफन लेकर घूमता हूं और अंग्रेज में तुमसे डरता नहीं। कौन थे मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी? मदरसे से पढ़कर निकले थे जनाब, बुखारी पढ़ने वाले थे, कुरान पढ़ने वाले थे, वो कोई टेररिस्ट नहीं थे बल्कि फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी। इंडिया गेट पर 65,000 वहां पर स्वतंत्र सेनानी का नाम है, अक्सरियत उलमाए किराम का नाम है। दिल्ली की गलियों के अंदर 10,000 उलमाए किराम को एक दिन में गाय के गोश्त में डालकर आग के हवाले कर दिया जाता था। ये वो थे जो मदरसे से पढ़कर के निकले थे। मदरसे का पढ़ा लिखा वफादार होता है, हद्दार नहीं होता है। वो अपनी शरीयत से जितनी मोहब्बत करता है उतनी ही मोहब्बत अपने देश के संविधान से भी करता है। मेरे भाइयों एक छोटी सी तारीख मदरसे की थी तो बहरे कहे गलत फहमियां पैदा की जाती है। हमारे इन मदरसों को आबाद रखे, मदरसा है तो इस्लाम सही नहज पे आज है। तो बहरे कहे कुछ लोग खामखा की एलिगेशन लगाते हैं कि हम कुरान और शरीयत पढ़ाएंगे बच्चों को तो हमारा बच्चा मॉडर्नाइज नहीं होगा। हम जब मुंबई में हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब के मदरसे में गए तो वहां शायद हमने जदीद साइंस और कुरान के ताल्लुक से बात की थी। ऐसा नहीं है कि कुरान पढ़कर हमारा बच्चा हाफिज ही रह जाएगा, डॉक्टर नहीं बनेगा। मैंने कहा था कि कुरान पढ़ आजकल डॉक्टर के सिलेबस में किताब पढ़ाई जाती है, उस किताब को
MBBS डॉक्टर के सिलेबस में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस किताब को लिखने वाला राइटर वो एक हाफिज कुरान है, शेख हुसैन इब्न अली सीना, अल कानून किताब। हमने कहा ऐसा नहीं है, पहले जमाने में ऐसा होता था, आज हमें जहां पर मुबल्लिग की जरूरत है, आलिम दीन की जरूरत है, फाजिल की जरूरत है, वहीं पर हमें एक अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, एक लॉयर की भी जरूरत है, एक जज की भी जरूरत है। कोई भी मामला होता तो डायरेक्ट कपिल सिब्बल। हमारे बच्चे क्यों नहीं लॉयर बन सकते, हमारे बच्चे क्यों नहीं एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरेट कुरान में नहीं है, है ऑपरेशन का तरीका कुरान में है, सर्जरी का तरीका कुरान में है, उसके लिए टाइम चाहिए। जदीद साइंस, डॉक्टरेट इन कुरान, लंबा टाइम उसकी जरूरत पड़ती, लेकिन है, आप तहकीक करेंगे तो पता चलेगा। जदीद साइंस की बुनियाद कुरान की आयत पढ़कर रखी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एक उदाहरण देता, कभी कभी हम लोग देखते हैं, अभी देखा था, अभी रमजान में, दो तीन रमजान को, वो जो तारा होता वो ऊपर होता, चांद नीचे होता, लेकिन दो तीन रमजान में देखा हमने कि ऐसा हुआ कि वो तारा और वो चांद बिल्कुल आमने सामने, बाकी शक्ल का बन गया, चांद ऊपर तारा नीचे। क्यों? अकीदा यही है कुरान का, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, सैयारे हैं, जो भी है, ये सब अपने अपने मदार पर घूमते हैं। वह शम्स तजलील मुस्तकर्रिल्ला, कोई किसी के ऊपर, कोई किसी के नीचे आ जाता है। वह शम्स तजलील मुस्तकर्रिल्ला, जब से ये दुनिया बनी है इंसान की तारीख है, तब से लोगों का यह अकीदा था कि सिर्फ सूरज घूमता है, जमीन अपनी जगह पर है। लेकिन जब सकरात आए, अफलातून आए, इन्होंने कहा कि नहीं, जमीन घूमती है, सूरज अपनी जगह पे, उसी के इर्द गिर्द ये जमीन पृथ्वी चक्कर लगाती है। लेकिन जदीद साइंस, 1915 में जदीद साइंस की बुनियाद डाली गई, और जदीद साइंस का फादर, जदीद साइंस का बानी आइंस्टाइन को माना जाता है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, सूरज भी घूमता है, जमीन भी घूमती है। कहा कि दलील क्या है, थ्योरी कहां से लाए तुम? उन्होंने कहा कि थ्योरी क्या, सबसे पवित्र और सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग कोई चीज है, कुरान है, कुरान पढ़ो, उसमें है, والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير। पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन उन्होंने कुरान करीम की आयत पढ़कर, कम से कम 3 से लेकर 5 जदीद साइंस के अकीदे को कुरान करीम के बेस पर उन्होंने साबित किया। जरूरत इस बात की है आज कि हमारा बच्चा जहां कुरान की तफसीर करने वाला हो, एक आलिम दीन बने, जहां अरबी जाने, फारसी जाने, वहां इंग्लिश भी हमारे बच्चे जाने, ताकि दुनिया की जो बड़ी बड़ी और भी जो रिसर्च है उनको भी हम पढ़ सकें आसानी के साथ, और इस्लाम पर लगे एतराज का हम दिफा कर सकें। दिफा करना, बोलना, गलतफहमी दूर करना, इट्स अवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है, तरीके रसूल है कि अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो उसका एक्सप्लेन कीजिए कि नहीं, ये नहीं, तुम गलत हो, हम सही है, हमारी ये चीज ऐसी ऐसी है, हम बताने की कोशिश करें। डरिए मत, हक बात बोलिए, कानून के दायरे में रहकर बोलिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी कोई दिक्कत, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, देश भी इससे आगे बढ़ेगा, अपना मजहबी क्लियरेंस भी ओपन होगा लोगों के सामने। बस इतनी बात कहूंगा। अखीर के अंदर मैं तमाम शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बहुत पहले प्रोग्राम को उन्होंने लिया, लेकिन बहुत सस्पेंज में प्रोग्राम वो हुआ, कई प्रोग्राम पोस्टपोन भी हो चुके हैं, कुछ इलेक्शंस की वजह से आचार संहिता चुके लागू हुआ है, धारा 144, फिर भी आप लोगों ने प्रोग्राम किया। वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ अवर हार्ट, दिल की गहराई से तमाम नौजवानों का, साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि खूबसूरत प्रोग्राम किया। अभी तक लोग बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन वक्त चूंकि बहुत हो चुका है, मुझे कल भी सफर करना है, बहुत ज्यादा सुनना सुनाना जरूरी नहीं है, बल्कि जो सुन लिया उस पर अमल जरूरी है। इसीलिए नौजवानों, दो तीन काम कीजिए, एक तो नमाज पाबंदी से पढ़िए,
किसी का बुराई किसी की बुराई मत कीजिए, किसी का बुरा मत चाहिए। और किस मामला जो भी है वो अच्छे रखें, अपना अमल अच्छा रखिएगा। बहुत ज्यादा नफल पढ़ना जिक्र करना जरूरी नहीं मुत्तकी बनने के लिए, बल्कि जो जो चीजें हैं जरूरी है, टाइम पे नमाज पढ़ लीजिए, जकात फर्ज है जकात दे दीजिए, हज फर्ज है तो हज कर लीजिए, वरना रमजान के रोजे आए तो रोजे रख लीजिए। वरना हट्टा कट्टा नौजवान आदमी रोजा नहीं रखता, पूछते भाई रोजा क्यों नहीं रखते, मौलाना हमारा सिक्स पैक कम हो जाएगा। रोजा रखने से सिक्स पैक किसी का कम होता? अरे अल्लाह ने जो गुनाह तुम्हारे अंदर है रोजा रखोगे तो रमजा के माने जलाने के आते हैं, तो रमजान की रोजे की बरकत से गुनाह जलकर खाक हो जाता है। इसीलिए रोजा रखा करो। 11 महीने खाते हैं तो एक महीना रोजा रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो बहरे दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला शरीयत व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।